दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होती है? क्या आप जानते हैं कि इन मस्कुलर टिश्यूज का या मसल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है साइंस विद हेमंत राठौर। दोस्तों, आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड पार्ट जो रहता है वो होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट जो होता है वो होता है कार्डियक मसल्स और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं वन बाय वन इन तीनों टिश्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है स्टेटेड मसल्स के बारे में। स्टेटेड मसल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली है, स्टेटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एंड दे आर वॉलंटरी। स्टेटेड मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेटेड मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को जोड़कर रखने में हेल्प करती है। और ये जो मसल्स होती है ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि ऐसी मसल्स जिस पर हमारा कंट्रोल हो, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। सेकेंड है, दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। इस तरह की जो मस्कुलर टिश्यू या मसल्स होती है वो किससे अटैच होती है? हमारे बोन्स से अटैच होती है और हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हम इस मसल की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और ये जो प्रॉपर सेल होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आप यह देख सकते हैं दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इनमें स्ट्रिएशन पाए जाते हैं जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल होता है। ओके, सेकंड जो है वो है हमारी स्मूथ मसल। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, ये स्मूथ मसल का डायग्राम है। स्मूथ मसल में हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। इसे हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल का मतलब होता है ऐसी मसल जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। सेकंड पॉइंट है, दे आर फाउंड इन द आयरिस ऑफ आई, इन यूरेटर एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये जनरली हमारी आइस के आयरिस में प्रेजेंट होती है, आयरिस वाले पार्ट में, और ये यूरेटर में भी प्रेजेंट होता है। यूरेटर आप सभी को पता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पेयर्स के फॉर्म में होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होते हैं। और तीसरा जो है वो है ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स के पार्ट्स होते हैं, तो उसमें भी जो ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है उस ब्रोंकाई वाले पार्ट में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज, द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप एंड सिंगल न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि ये सेल्स जो है वो लॉन्ग है, मतलब लंबी सेल्स है, सिंगल न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और तीसरी बात ये है कि ये स्पिंडल शेप है। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। जो थर्ड वाला है हमारा पार्ट, ये है कार्डियक मसल। जैसा कि नाम से ही शो होता है, कार्डियक मसल, इट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक, कार्डियक मसल की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर ऑल्सो इन्वॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल कैसी मसल होती है? इन्वॉलेंट्री मसल होती है, मतलब इस मसल पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये हमारी लाइफ टाइम तक चलती ही रहती है। नेक्स्ट है बी, दे हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये मसल्स क्या करती है? ये मसल्स हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। आपको पता ही है कि हमारा हार्ट जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, तो
इस तरह का वर्क परफॉर्म करने के लिए किस तरह की मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और ये कभी भी थकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। और जैसा कि आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, इसमें भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हमारी स्टेटेड मसल्स में, ठीक। और इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रांच्ड होती है, इज इट क्लियर। वो जो थी वो ब्रांच नहीं थी और ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारी थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्टेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि मेरा ये जो वीडियो है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्हें इस वक्त स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन तक भी पहुँच पाए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, ठीक है। और आपको यदि कोई भी प्रश्न या कोई भी पर्टिकुलर डाउट आपके मन में बन रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे पुराने वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों हमने मसल टिश्यू देखा है, कल मैं आपके साथ मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।